आज हम लोग तीन नए तरीके से रोटी का रैप करना सीखेंगे और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर आप किसी को एक बार बना के खिला देंगे तो वो आपसे बार बार मांग के खाएगा, यहाँ तक कि बच्चे भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस ऑनलाइन रेसिपीज़। अगर आपके रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्रैंकी रैप। उसके लिए हमने एक रोटी ली है, लगभग 7 से 8 इंच जितनी है। अब उसे हम लोग इस तरीके से काट देंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब उसके एक तरफ में हम लोग रख देंगे आलू टिक्की। अब इसे हम लोग फोक से ऐसे दबा करके इसे प्रेस कर देंगे ताकि वो फ्लैट हो जाए थोड़ी। अब उसके बगल में हम लोग डालेंगे यहाँ पे कटे हुए लंबे प्याज। इसके साथ में आप यहाँ पर नींबू और नमक भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। थर्ड साइड में हम लोग यहाँ पर डालेंगे ग्रीन चटनी, धनिया और पुदीने की साथ में सॉस। इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर हम लोग स्प्रेड कर देंगे पूरा। जो फोर्थ साइज है जगह है वहाँ पर हम लोग डाल देंगे हमारी पत्ता गोभी, कटी हुई जो पत्ता गोभी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। हमारा हो गया है तैयार। अब इसे हमें रैप करना है। इस तरीके से जैसे हमने किया है ठीक वैसे ही आप फॉलो करें उसे। ये देखिए रोटी रैप बन करके हो गई है तैयार। अब इसे खाली हमें फ्राई करना है। उसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब उसके ऊपर इसे हम लोग डाल के दबा करके इस तरह से इसे प्रेस करके हम सेक लेंगे। फिर दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस से इसे दबा के हम लोग सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी फ्रैंकी रैप तैयार हो गई है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारी अच्छे से सिक गई है। ऐसे ही हमें सेकनी है। अब हम करेंगे सैंडविच रैप। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, रोटी को हम लोग सेंटर से कट करेंगे उसका रेडियस एक। फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे उबले हुए आलू के स्लाइस, पतले स्लाइस। फिर उसके दूसरे तरफ हम लोग लगा देंगे मेयोनीज सॉस। ये हम सॉस को पूरा हम लोग स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे इसके बगल में हम लोग लगा देंगे टमाटे को पतले टमाटर की स्लाइस। आप चाहे तो खीरा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब फोर्थ साइड में हम लोग डालेंगे हॉट एंड स्वीट जो सॉस आता है उसे करेंगे ताकि थोड़ा हमारा चटपटा बन जाए। और साथ में उसके ऊपर डाल देंगे हम लोग प्याज हमारे। ये हो गई है। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे यहाँ पर सैंडविच का मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काली मिर्ची, नमक और चाट का मसाला भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। ये हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हमें रैप करना है। इसे सेम प्रोसेस से हमें इसे फिर से रैप कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और हमारे जो घर में सामान है उसी से हम इसे बहुत ही अच्छे से एकदम बना करके ये हमारा तैयार हो गया है। सबको खिला सकते हैं और सबको बहुत पसंद आएगा। अब इसे हम लोग फ्राई फिर से हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। हम लोग फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी। ये पलट करके फिर सेक देंगे हम। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इतने टेस्टी लगते हैं कि जो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं रोटी और वो भी इसे मांग मांग कर आपसे खाएंगे। ये हमारी दूसरी तैयार हो गई है। अब थर्ड हमारी है पिज्जा प्रिंट। उसके लिए भी सेम प्रोसेस से हमने उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हमारा पिज़्ज़ा सॉस, उसे हम स्प्रेड कर देंगे पूरा। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे कैप्सिकम, पनीर, कॉर्न और ऑनियन। इन सबको हमने काट लिया है और थोड़ा थोड़ा नमक डाल के रखा है। उसके ऊपर अब हम लोग चिली फ्लेक्स डाल देंगे या आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो अपने टेस्ट के हिसाब से। और ओरिगेनो भी यहाँ पर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे नॉर्मल जो केचप हम लोग का सॉस आता है टमाटो का वो डाल देंगे यहाँ पर हम। अब लास्ट में हम लोग डालेंगे यहाँ पर चीज़। बिना चीज़ के हमारा पिज़्ज़ा अधूरा रहता है तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे क्रश किए हुए हमारे चीज़ डाल देंगे हम। ये हमारी हो चुकी है पिज़्ज़ा की तैयारी। अब इसे फोल्ड कर देते हैं। सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारा हो गया है पिज़्ज़ा रैप तैयार हो गया है। अब इसे भी हम सेक लेते हैं दोनों तरफ से बटर डाल करके मीडियम फ्लेम पर। लीजिए तैयार हो गई हम लोग की इस तरह से तीन तरह की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान बनाना जिसे बच्चे भी शायद बना सकते हैं। ये हमारी पिज़्ज़ा रैप तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छा लगता है और एक नया तरह का एक स्नैक्स आप बना सकते हैं इस तरह से। इट्स रेडी टू सर्व। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।